आदि। आधुनिक काल आधुनिक आधुनिक साहित्य कर में सनाल कवि मनक विषय वस्तु। आधुनिक साहित्य में कर सनाल विषय वस्तु कवि मनक सनाल विषय वस्तु। आधुनिक काल कर फिर से हम लाइन बोल दे रहे सुधार के। आधुनिक काल कर कवि मनक कर विषय वस्तु सिंपल है तुम लोगों को समझ में आता लाइन। विषय वस्तु कर मुख्य केंद्र में सामाजिक कौमा सांस्कृतिक कौमा आर्थिक ताना बाना दिसेला। जहाँ एक ओर इनकर विषय वस्तु में जहाँ एक ओर इनकर विषय वस्तु में समस्या मनक समस्या मनक जिक्र होवेला या जिक्र मिलेला वह दूसर ओर वह दूसर ओर सामाजिक जागरूकता और जन मन में उत्तेजना भरे कर जहाँ दूसर ओर सामाजिक क्या था सामाजिक क्या लिखाए थे सामाजिक जागरूकता जन और सामाजिक ताना क्या लिखाए थे रुको ये उत्तेजना भरे कर विषय वस्तु मिलेला। नेक्स्ट पैराग्राफ इनकर रचना ईमनक रचना नागपुरी हिंदी कर पत्र पत्रिका में छपते रहेला। जैसे शकुंतला मिश्र शकुंतला मिश्र डैश नवा राग छंद लय नवा राग छंद लय भाव कर गीत कविता इनकर विशेषता आहे। नवा राग छंद लय भाव कर गीत इनकर विशेषता आहे। सामाजिक लिखिए सामाजिक दृष्टि से ओतप्रोत सामाजिक दृष्टि से ओतप्रोत इनकर सबसे प्रमुख कविता आहे जगत जननी डैश करके जगत जननी। सामाजिक दृष्टि से ओतप्रोत इनकर सबसे प्रमुख कविता आहे डैश जगत जननी। ठीक है
नेक्स्ट पैराग्राफ, लिखो लगभग लगभग, इसमें और डिटेल नहीं डाल रहे हैं, डलवा रहे हैं, मतलब कि आधुनिक का, जैसे और भी आधुनिक कवि का जितना भी होगा ना, उसका दो दो लाइन करके डाल दिया करना, जब कभी साहित्यकार वगैरह में पढ़ाएंगे तो, है ना, उसमें सबको दो दो लाइन करके डाल देना, जो अच्छा लगेगा, जो बेस्ट लगेगा। बस हमेशा याद रखना कि आधुनिक कवि का जितना भी विषय वस्तु जो सोशली या कल्चरल दृष्टि से होगा इम्पोर्टेंस, उसी को पुट करते जाना जो इम्पोर्टेंस रखता है साहित्य के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो लगभग 350 से बगरा कर 350 बरस से बगरा कर नागपुरी पद साहित्य कर यात्रा में, लगभग 350 बरस से बगरा कर नागपुरी पद साहित्य कर यात्रा में महाकाव्य खंड काव्य मुक्तक रचना गीत कविता महाकाव्य कौमा खंड काव्य कौमा मुक्तक रचना गीत कविता रचालक रचालक मुदा प्रकाशित बहुते कम होलक। एखनो एक ले एक कवि मनक एखनो एक ले एक कवि मनक सुंदर 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 मधुर मधुर पद साहित्य छपे कर आसरा में आहे। एखनो एक ले एक कवि मनक सुंदर सुंदर मधुर मधुर पद साहित्य छपे कर आसरा में आहे। नागपुरी पद साहित्य कर उद्भव और विकास कर कथा, नागपुरी पद साहित्य कर उद्भव और विकास कर कथा, नागपुरी पद साहित्य कर उद्भव और विकास कर कथा, गरीब कवि और गरीब प्रकाशक का कथा कहल जाए तो, गरीब कवि और गरीब प्रकाशक कर कथा कहल जाए तो, आर्थिक जो हम लोग विशेषता बताए थे ना, वही चीज़ को लिख रहे हैं। गरीब से गरीब कवि और गरीब प्रकाशक का कथा कहल जाए तो ऐतनी कहाई। अंत में एगो आधुनिक कविता कर पंक्ति देखल जा सकेला। डैश दे के लिखो, दो तीन लाइन लिख लो पंक्ति का, इसको लिख दो, अच्छा लिखो नयन जुगल कथा कौमा कर्ण के सुनाए, नयन जुगल कथा कौमा कर्ण के सुनाए।
कॉमा के बाद नीचे वाला लाइन में लिखो, चापा कली भाई बिम अधर झलकाए, चापा कली भाई बिम अधर झलकाए, अधर चापा कली भाई बिम अधर झलकाए। नेक्स्ट लाइन, उच्च उरोज गति कमल कली प्राय, उच्च उरोज गति कमल कली प्राय, कॉमा हमेशा कॉमा दिया करना, कॉमा कमल कली प्राय कोई प्राय लिखा है, कॉमा। नेक्स्ट लाइन, चापा कली भीड़ मन, चापा कली भीड़ मंग भीड़ मन मतंग के मताए, मतंग चापा कली भीड़ भाई भीड़ मन मतंग, म त ग पतंग को चेंज कर दिया, मतंग के मताए, दारू पी के मताए। केदली थंब, नेक्स्ट लाइन, केदली थंब थम चिकन, अब चिकन को चिकन मत लिख देना रे, सी एच। शोभा पाय चापा कली, केदली थम चिकन शोभा पाय चापा कली। नेक्स्ट लाइन, भाई से ही देखी धीरज सिराय, नेक्स्ट लाइन में लिखना, भाई से देखी धीरज सियाय, ये बीपी केसरी लिखे हैं, सिराय बीपी केसरी के द्वारा लिखा हुआ है। बताओ, कोई जरूरी नहीं है, अरे ऐसा कुछ नहीं है कि यही लिखना है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिखना जरूरी है, नहीं लिखेगा मार्क्स नहीं आएगा इसमें, याद रखना। इस समय लिखना होगा, दो चार पांच को दस को जितना रट सकते हो रटना, साहित्यकार वाला में जो पोर्शन में जाएंगे ना, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, और एक एक पद को एक एक चीज़ को वहाँ पर क्या होगा। यहाँ तो खाली हम पद कि मैं एक गीत के एरिया में गए ना, अभी महाकाव्य बचा हुआ है, खंड काव्य बचा हुआ है, तो अगला जो दिन में होगा ना महाकाव्य खंड काव्य भी करेंगे, तो देखना जब हम लोग साहित्यकार वाला पार्ट में जाएंगे यही सब चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन उनका सब जीवन से और भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो साहित्यकार वाला में जितना भी पार्ट है ना साहित्यकार, इसमें भी जाएंगे तो हम लोग वही पढ़ेंगे, इसका जो गीत वगैरह देखेंगे, गीत कविता, ठीक है, जीवनी से जो जीवनी है वो तो देखेंगे साहित्यकार में, और जिसका ठीक होगी बस हो गया दोनों, इसके साथ साथ ना जहाँ महाकाव्य खंडकाव्य जितना भी है सब देखेंगे, उपन्यास नाटक वगैरह सब देखेंगे, लेकिन साथ साथ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है खाली इसका डिटेल नहीं करना। यहाँ हर साहित्यकार का लिखने का अपना एक शैली होगा, वहाँ ज़्यादा फोकस करना है कि उनका काव्यगत विशेषता क्या है उनका, ये डिटेलिंग तो करेंगे, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, असली इम्पोर्टेंट यहाँ खेला होगा। जैसे लाल विजयनाथ सहदेव वीर रस के कवि बोलते हैं, श्रृंगार रस के कवि बोलते हैं, गोंजू साहब श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं, ठीक है, और तुम्हारे जैसे कि अब सीडी सिंह, इनके में भी वीर रस में बहुत ज़्यादा उत्प्रोत है, कैसा अलंकार का प्रयोग करते हैं, उपमा अलंकार का कौन सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है,
कौन किया है, तो वो सब काव्यगत जो विशेषता है ना वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक सेकेंड पार्ट में साहित्यकार वाला का। तो यहाँ पूरा डिटेल तो हम लोग साहित्यकार का देखेंगे ही जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं। अभी गीत कविता देखें ना, उसका और डिटेल फॉर्म में देखेंगे उस पर्टिकुलर कवि का, उसका महाकाव्य में लिखा है या नहीं लिखा, उपन्यास लिखा है कि नहीं, नाटक लिखा है कि, नाटक में कौन सा नाटक सबसे अच्छा लिखा है। अभी कौन सा नाटक था जी तुम लोग का, 1857 वाला क्या था नाम नाटक का, SSC वाला, ए खुशबू, ठाकुर प्रसाद शाही, कौन लिखा था, हाँ BP केसरी, एकमात्र नाटक था। अब वहाँ पर उसका विशेषता हम लोग बताएंगे वहाँ पर कि वो नाटक में, उस नाटक का विशेषता उनका क्या है। तो यहाँ पे साहित्यकार में वही होगा, साहित्यकार का पाठ हमेशा याद रखना, 2-3 पार्ट में है अभी हम लोग, कल तो पढ़ेंगे पहले इसको ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अब जब इसमें एंट्री कर दिए हैं तो हम बता देते हैं ताकि अगर आप लोग अपना कुछ पढ़ रहे होंगे अपने स्तर पे तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। साहित्यकार वाला में ना मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम लोग ना सिर्फ इनके जीवनी प्लस इनका कृति यहीं तक फेमस होता है, 80-90% अपना कंटेंट में यहाँ फोकस करता है, बट इससे कहीं ज़्यादा उनका काव्यगत विशेषता है। जब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा वो अधूरा है, ये साहित्यकार वाला पोर्शन। उनका काव्यगत विशेषता को एक्सप्लेन करना होगा कि उनका विशेषता क्या था, उनका शैली कैसा था। हर कविता का अलग अलग शैली, हर कवि का अलग अलग शैली, साहित्यकार का अलग अलग शैली है लिखने का, है ना। तो वो चीज़ को यहाँ इंडिकेट करना जरूरी है पर्टिकुलर में, लोग इसी चीज़ को मिस करता है, लोग यहाँ खाली कृति, जीवनन, जन्म कब हुआ, काका कृति है, बस यहीं तक सीमित रहा। लेकिन इसमें ये करने के बाद हम लोग को काव्यगत विशेषता बताना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ क्वेश्चन बता देगा सिंपल इज सिंपल, ये BP केसरी या गोंजू साहब किसी का नाम लेके बोल देगा काव्यगत विशेषता का उल्लेख करो, उनके कृतियों में काव्यगत विशेषता का उल्लेख करो, लोग बता नहीं पाएगा, उसका कंटेंट ही नहीं मिलेगा उसको, वहाँ पर वो चीज़ देखेंगे। ठीक है चलो, ठीक है चाचा, वोट दे दिया कल, किसको दिखा रहा, सरकार बनाया कल है, किसको दिया है, हम रहेंगे जानते हैं सबसे जो क्रिमिनल रहेगा उसी को वोट देंगे, क्राइम पूरा क्राइम करना है। देखो मेरा मानना इसमें उलट है, अगर तुम जो क्रिमिनल है, तुम क्रिमिनल है, तुमको हम वोट नहीं दिए तो तुम तो खुला साढ़ पहले भी था आज भी हो, सही बात है ना। आज तुमको वोट देके हम ले आएंगे तो कब तक कुछ तो कम करोगे तुम।